प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसरार मलिक टीवी, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल इसरार मलिक टीवी। दोस्तों, आज एक ऐसा मुजर्रफ़ ताकतवर पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूं, जिसको करने से इंशाल्लाह आपके जिस्म में कहीं पर भी दर्द होता होगा तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बताने वाले हैं कि कैसे आपको इस वजीफ़े को करना होगा। या अल्लाह सुभान व तआला तमाम उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा एक बार दुरूद पाक, एक बार दुरूद पाक पढ़ना होगा, दुरूद पाक पढ़ना होगा, ठीक है। आपको एक बार दुरूद पाक पढ़ना होगा। इसके बाद आपको या मुगनियो, या मुगनियो आपको पढ़ना होगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ना होगा, फिर एक बार जो है या मुगनियो पढ़ना होगा। इसके बाद आप जो भी दुरूद पाक शुरुआत में पढ़ी थी, मतलब जो भी पढ़ेंगे वही आपको दुरूद पाक आखिर में पढ़ना है, आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है एक बार, ठीक है। एक बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको जो दुरूद पाक याद हो वो पढ़ सकते हैं, या सबसे अफजल दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इसको पढ़ सकते हैं। या इससे छोटी दुरूद पाक जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ये भी नहीं याद है तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ये भी दुरूद पाक है, ठीक है। इतना आपको करना है, एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर एक बार जो है या मुगनियो पढ़ना है, फिर एक बार जो है आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। तो दोस्तों, आपको इतना करना है। इसके बाद अपने हाथों पे ऐसे, मतलब हाथों पे दम करना है, ठीक है। आपको इतना पढ़ने के बाद हाथों पे दम करना है, और जिस जगह पे मतलब दर्द हो रही है, यानी जिस्म में कहीं पर दर्द हो रही है, उस जगह पर जो है उन हाथों से मालिश करना है दोस्तों, यानी अपने हाथों से उस जगह को मालिश करना है, यानी दम करने के बाद, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपका दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, आपको चलते फिरते जो है इस वजीफे को भी कर लेना है, जिससे या गनी गनीयो, या गनीयो आपको चलते फिरते पढ़ते रहना है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, ठीक है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए जो है आपको या गनियों आपको हर टाइम जो है हर समय पढ़ते रहना है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इतना करना है, आप इतना महसूस करेंगे, अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, आपका दर्द जो है मिनटों में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा इस वजीफे की बरकत से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ये वजीफ़ा यकीन के साथ करना है दोस्तों, आपको यकीन के साथ करना है, आपको यकीन रखना है अल्लाह सुभान व तआला से कि इस वजीफ़े के ज़रिए से इंशाल्लाह हमारा दर्द ज़रूर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आपको यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पर जो है आपको यकीन रखना है, इसके बाद इस वजीफे को करना है, इंशाल्लाह आपका दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला हमारे तमाम उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए, और जितने परेशान मुसलमान, जैसे बहुत परेशान लोग हैं, आजकल का माहौल जो है बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह सुभान व तआला ख़त्म कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका ये भी जानकारी जो है अच्छी लगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।